कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने, सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का, सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। क्या है ये पवित्रता का श्रृंगार? बाप की श्रीमत पर चलेंगे ही तब जब हम पवित्र होंगे। यदि हम पवित्र नहीं हैं तो बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकते। हमने अभी कल परसों चर्चा किया था कि अब तक हमारी बुद्धि में था कि हम पवित्र बनेंगे तो परमात्मा के पास जा सकेंगे, पवित्र बनेंगे तो परमात्मा के पास जा सकेंगे। ये हमारा भक्ति में नैरेटिव था, विचारधारा थी, क्योंकि हमारी चुनरिया में दाग लगा हुआ है, हम परमात्मा के पास जा नहीं सकते, परमात्मा से मिल नहीं सकते। तो हमने वहां पर ये चर्चा में समझा था कि परमात्मा कहते बच्चे, मैं तो आता ही पतितों के पास हूं, मेरे पास आते ही पतित हैं, मैं पतितों को पावन बनाता हूं, पतित बनेंगे मेरे पास आएंगे, मेरा काम शुरू होगा, मैं सबको पावन बनाऊंगा। परंतु आज बाबा कहते पवित्रता का श्रृंगार, और पवित्रता का श्रृंगार बाबा आकर करते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। अब यहां पर एक बात हमारी समझ में आई चर्चा करते वक्त, जैसे ही आपने पूछा, तो पवित्रता के बिना हम बाबा की श्रीमत पर चल नहीं सकते। जब बाबा ने हमें पवित्र बना दिया आकर, बनाता नहीं, यही तो सारे बात है। ये बात यही तो मेरे लिए अटक गई आज बात, कि कल हमने कुछ चर्चा किया था, अभी नहीं कहा पति को पावन बनाता, मैं आता ही नहीं हूं। मैं वही तो बता रहा हूँ कि यही तो मामला अटक गया, इसलिए तो आज ये बात करने के लिए मैं मतलब समझ रहा हूँ कि हमें चर्चा करनी चाहिए, कि अब तक हम समझते थे पवित्र ही परमात्मा के पास जा सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि मेरे पास पतित आते हैं, मैं पतितों को पावन बनाता हूं, और जब आपने कहा कि पवित्रता हमारा श्रृंगार है, तो हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार याद आया कि हम पवित्रता, पवित्र बनना श्रृंगार है। बात सारी ये है कि जब तक हम बाबा की श्रीमत पर चल तब सकेंगे जब हम पवित्र हों। ये दो विरोधी बातें हो गई, पवित्र बाबा बनाएगा और पवित्र बनने के बाद हम बाबा की श्रीमत पर पवित्र बनेंगे, परंतु चल तब सकेंगे जब पवित्र बनेंगे। बाबा आया ही पतित से पावन बनाने, उसने पावन हमको पवित्र बना दिया, बना दिया तभी तो हम भाई जी, यही तो मैं देख रहा हूँ ना कि भाई जी पवित्र कहने से नहीं बन जाते, हम बने नहीं, बनाया गया है ना, बाबा ने हमें शिक्षा दी है, उसके कदमों में चले हैं। भाई जी शिक्षा मिलेगी, शिक्षा पर चलेंगे तब जाकर पवित्र बनेंगे। हाँ। बना दिया नहीं, हाँ। बना दिया नहीं, बनाना काम है, परंतु सबसे बड़ी बात जो है ना, दिक्कत ये है कि हमारे बाप के पास हाथ नहीं है, शरीर नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, वो भी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर। तो उसने रास्ता दिखाना है, उस पर चल के पवित्र हमने बनना है, बने नहीं है, बना नहीं दिया है, ये भी तो सारी बात है ना। बना देवे तो फिर तो सारे के सारे पवित्र, और सारे के सारे कहेंगे हम तो नारायण बनेंगे, हम राज सिंहासन पर बैठेंगे, हम तो आपके सगे बच्चे हैं। जितना ग्रहण करेगा उतना ही बनेगा।
तो भाई मेरी बात सारी वही है ना कि पवित्र बनने के लिए ही तो पहला पहला पुरुषार्थ है। पहला पहला पुरुषार्थ बाबा आकर हमें पवित्र बनाने बनने का ही सिखाते हैं। और पवित्र बनने का श्रृंगार है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये निश्चय हो जाना कि मैं आत्मा हूं, तब पवित्र बनने के रास्ते पर चलते हैं। और यही पवित्रता है, यही पहला पहला पाठ है और यही हमारा आखिरी पाठ है। पवित्र बनना, आत्मा हूं, ये अनुभवी बनना, और इस अनुभवी बनने के लिए बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं, तब हम पवित्र बनते हैं। जब तक हम स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हम पवित्र नहीं बन सकते। और पवित्र बनने के बाद हम बाबा की श्रीमत पर चल सकते, पवित्र बनने के बाद। तो इसलिए भक्ति मार्ग में ये जो बात ली गई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बिगड़ गई, वरना ठीक हो सकती थी। परंतु ड्रामा में ठीक इस समय ही होना है, इससे पहले ठीक नहीं होना था। तो मतलब हम आत्मा हैं, आत्मा पर जो मैल लगी हुई थी, देह की, देह के संबंधियों की, देह की जरूरत की वस्तुओं की, देह की दुनिया की, ये सारे हमने मैल अपने ऊपर चिपका रखी थी। एक एक दाग, एक एक मैल बाबा की श्रीमत पर हमने अपने ऊपर से उतारनी है। ये देह मैं नहीं, देह के संबंधी मेरे नहीं, ये संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं, ये अपने आप को बैठकर समझाना, ये है अपना श्रृंगार करना। बाबा मेरा है, वो मुझे बता रहा है, मैं वैसा करता जा रहा हूं, मेरा श्रृंगार होता जा रहा है। श्रृंगार होने से मुझे सुंदर दिखाई देना है ना, श्रृंगार होने से मेरी सुंदरता, आत्मा की सुंदरता क्या होगी कि मेरा व्यवहार सबके दिल पर राज करेगा, मेरा व्यवहार सबको मीठा लगेगा, सबको प्यारा लगेगा। ये है श्रृंगार का फायदा। श्रृंगार होने के बाद श्रृंगार का फायदा ये है कि मैं सर्व आत्माओं के साथ व्यवहार कुशल बन सकूंगा, मेरा व्यवहार सबको अच्छा लगेगा और मेरे जैसा वो बनने का पुरुषार्थ करे। और मुझे कैसा बनने का पुरुषार्थ करना है? बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना। और मुझे सबको कौन सा पुरुषार्थ कराना है? बाप समान बनाने का पुरुषार्थ कराना। मतलब जो बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे और जो आप समान बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, मतलब उसमें अंतर समझना है, ठीक है कि नहीं? बाप समान सबको बनाने का पुरुषार्थ करना है तो हम बनेंगे पवित्र। पवित्र बनना माना बाप समान बनना। जैसे बाबा सारे विश्व का कल्याण करने वाला है, ऐसे हमारी बुद्धि में भी रहे कि मैंने सारे संसार की आत्माओं को अपने वो अनुभव शेयर करने हैं जैसे मैंने बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ किया है, वो भी कर सके। प्रश्न, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि ये 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं? उत्तर, वे बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए, टीचर याद आए तो गुरु भूल जाए, नहीं। जब तीनों को याद करे तब ही कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात
आदि से पाठ बजा सके। विष्णुपुरी कृष्णपुरी एक ही बात है, परंतु नारायणपुरी नहीं कहेंगे, नारायणपुरी नहीं कहेंगे। क्यों? नारायणपुरी क्यों नहीं कहेंगे? नारायण सतयुग के आदि में आता है, परंतु विष्णु और कृष्ण संगम पर आते हैं। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी ये संगम पर होती। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी देख रहे हैं ना, तीनों सूक्ष्म वतन में है, और सूक्ष्म वतन होता है केवल और केवल संगम पर। सूक्ष्म वतन कब होता है? संगम पर होता है। तो कृष्णपुरी भी कब होती है? संगम पर। और कृष्णपुरी वाला जो जन्म है वो आदि से पाठ बजाने वाला है। जो कृष्ण के साथ जन्म लेंगे वही नए कल्प की आदि करने वाले होंगे। जो कृष्ण के साथ जन्म नहीं लेंगे वो उनके पास आकर जन्म लेंगे, तो वो तो आदि वाले ना हुए ना। बात स्पष्ट हुई? किसी को डाउट हो तो पूछे कि जो कृष्ण के साथ जन्म लेंगे वही आत्माएं पहले दिन पहले सेकंड शरीर पहनकर खड़े होंगे और सतयुग शुरू होगा, नया कल्प शुरू होगा। और वो होंगे जिन्होंने कृष्ण के साथ जन्म लिया होगा, और बाकी जो वो आकर के फिर संकल्प करेंगे, गर्भ धारण होगा, फिर जो बच्चे आएंगे वो आदि नहीं होंगे। ठीक है कि नहीं? तो वो कृष्णपुरी में जन्म लेने वाले, ये क्लियर हो रहा है बात? नंबर दो, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। ये माया के तूफान कहां से आते हैं? मेरे अंदर से आते हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं। ठीक है ना? वो मेरे अंदर से आते हैं, मुझे गलती करने के लिए मजबूर करते हैं, और बाबा की श्रीमत पर मैं गलती नहीं करता, तब मेरी माया के तूफान पर विजय है। मेरे अंदर से तूफान उठता है, विकार में जाने का, गंद खाने का, गलत रास्ते पर चलने का। ट्रिगर कोई भी बनो, ट्रिगर चाहे वातावरण बनो, परिवार के लोग बनो, बाहर के लोग बनो, ठीक है ना, वो आकर के मुझे फोर्स करेंगे कि तू चोरी कर, बेईमानी कर, ठगी कर, धोखा दे, वो मजबूर करेंगे, और मुझे किसी भी प्रकार के परिवार के द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा, मैंने बाबा की श्रीमत के विपरीत कोई एक्ट नहीं करना है। बहाना तो बनेगा ना, चाहे बेटा आके बनाए, चाहे पत्नी आके बनाए, चाहे पति आके बनाए, तो चाहे परिवार का कोई सदस्य बनाए, दोस्त बनाए, किसी ने आपके ऊपर कोई एहसान कर दिया है, आपको कोई मदद कर दी है, अब आप उसके लिए भी गलत काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये माया के तूफान है, उनको माया के तूफान कोई भी गलती करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि जो मजबूर है वो गलती करता है। गलती करने के कारण क्या होता है? वो कृष्ण के साथ जन्म नहीं ले सकते, पवित्र पूरा नहीं बना है, पूरा श्रृंगार नहीं किया है, और वो अभी इस समय संगम पर विष्णु नहीं बना है, वो कृष्ण के साथ जन्म नहीं लेगा, तो उसके 84 जन्म नहीं, 84 जन्म नहीं। मतलब ये एक नई बात है, मतलब कृष्ण के साथ जन्म लेने वालों के 84 जन्म होंगे।
अब हमें काल परसों भी हम चर्चा कर रहे थे कि 84वां जन्म कौन सा है, 83वां जन्म कौन सा है, किसके 84 जन्म होंगे। आज बाबा ने क्लियर तो कर दिया है भाई जी, क्लियर कर जन्म लेने वाले वो 16 जन्म अभी क्लियर कर दिया। आपको जल्दी क्लियर हो जाता है, परंतु जो सुन रहे हैं ना क्लास, उनके साथ हमारी चर्चा हुई थी, कि 83 तो होते हैं शरीर के पिता, 84वां जो होता है वो होता है, 83 जन्म है ना हमारे, 84वां हमारा मर्जी वा जन्म, 83 भी हमारे कंप्लीट नहीं, सबके 83 नहीं होंगे, 83 मतलब जैसे गाया गया ना 8, 12, 21 और 42, ये 83 जन्म है। 83 हमारे शरीर के पिता होते हैं। आज भी बाबा ने जैसे ही प्रश्न शुरू हुआ था तो मुझे खड़ा हुआ था कि ये नया प्रश्न खड़ा हुआ है कि 84 जन्म, 84वां जन्म डायमंड जन्म होता है। 84वां जन्म कौन सा होता है? डायमंड जन्म होता है, ठीक है। और डायमंड जन्म मरजीवा जन्म होता है, उस समय हमारा कोई शरीर का पिता नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ये शरीर है, और उसके बाद अब हमारा पिता कौन है? परम आत्मा। वो आकर हमें ये 84वां जन्म देता है, और वो 84वां जन्म है शरीर को छोड़ करके हमें आत्मा स्वरूप में स्थित होना, आत्मा का पिता परमात्मा बनना। उस जन्म में हमारा शरीर का पिता कोई नहीं होता, क्योंकि वो जीते जी मरना होता है, और जीते जी शरीर का पिता तो वही था जो पिछले जिसने शरीर पैदा किया था, परंतु हम आत्माओं ने परम पिता परमात्मा को एडॉप्ट किया, हमने एडॉप्ट किया कि आप हमारे पिता बनो, हमारी बुराइयों को दूर कराने का रास्ता बताओ, हमें अवगुणों से निकालने का रास्ता बताओ, हम तुम्हारी शरण में हो, तुम हमारे बाप हो। जब थक जाते हैं तब माँ कहती है अपने बच्चे से, बाप चुप कर, बता तू क्या चाहता है, मैं वो करूं। ऐसे ही हम भी बेचारे जब दुखी हो जाए, माँ भी दुखी हो जाती है ना, तब वो कहती है बेचारे, तो इसी प्रकार से हम दुखी हुए तो हमने भी शिव बाबा को कहा, मेरे बाप तू जो कहे हम वो करें, बस हम बता दे अब क्या करें। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम उस बाप को भी अडॉप्ट करते हैं, दुखी होने पर करते हैं, वरना हम अडॉप्ट ना करें बाप को। दुखी होते तभी कहते हैं ना, मेरे बाप बता, अब तू जो कहेगा ना वही करो, ठीक है क्या? और शांति। हाँ जी, वैकुंठ वालों के जन्म होते हैं। हाँ, वैकुंठ वालों के 84 जन्म होते हैं, ठीक है। तो कहने का अभी हम देवता से जन्म 83 जन्म होते होंगे, और जो वैकुंठ में से आने वाले हैं उनके 84 जन्म। हाँ, और आप देखो ना यहाँ पर एक बात, क्योंकि डायमंड जन्म तो सबको मिलना है, डायमंड जन्म तो एक जन्म लेने वाली आत्मा को भी मिलना है, क्योंकि डायमंड जन्म का मतलब है, मर जीवा जन्म का मतलब है परमात्मा की संतान बनना, और संतान बन करके अपने नए रूप को, अपने आप अपने अंदर जो दाग लगे थे, अपने अंदर जो विकार आए थे, उन विकारों को अपने जीवन से निकालना, ठीक है। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि ये जो 84वां जन्म है वो है हमारा सबका, 84वां जन्म, उसे हम 84वां जन्म भी कह सकते हैं, उसे हम पहला जन्म भी कह सकते हैं, उसे मरजीवा जन्म कह सकते हैं, उसे डायमंड जन्म कह सकते हैं, नाम हम कुछ भी दे, वो हम सबका होना है, परंतु वो 84वां काउंट उनका होगा, वो 84वां काउंट उनका होगा जो अभी कृष्ण के साथ जन्म ले लेंगे, कृष्ण के साथ क्या ले लेंगे, जन्म ले लेंगे। और यहां मेरे को जो लगता है उनका भी होगा, जो हमने पहले से तय किया है उनका भी होगा, जो पहले 150 साल के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उनके 84 जन्म होंगे,
जिसमें कृष्ण के साथ जन्म लेंगे और सतयुग के अंदर उनके पास जो आकर के पहला जन्म लेंगे उनका भी क्या होगा, 84वां जन्म होगा, क्योंकि यहां कृष्ण के साथ जन्म लेने की बात है। तो कृष्ण के साथ जन्म लेना मतलब कृष्ण का जीवन काल 150 साल का है, 150 साल में से 30-35 वर्ष यहां पर चले गए, संगम पर चले गए, और बाकी क्या रह गया, 125 के करीब, 115, 110, 120 साल के, नहीं तो जो जब तक का कृष्ण का जीवन काल है उस जीवन काल में जो भी आत्माएं आएंगी उनके 8 जन्म वहां होंगे, 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म, 1 जन्म संगम का। तो कृष्ण के साथ कहने का मतलब बड़ा क्लियर हो गया कि जो आत्माएं कृष्ण के साथ संगम पर जन्म लेंगी और उनके पास आगे भी टाइम है, क्योंकि कृष्ण जब तक रहेगा उनके साथ जो जन्म लेंगे उनके 84 जन्म पूरे होंगे और बाकियों के 84 जन्म नहीं होंगे, बाकियों के 83 जन्म होंगे। बाबा ने एक बार एक मतलब बताया था, जो पहले पहले ज्ञान सुना था उसके 84 जन्म। हाँ जी, 9 लाख आत्माओं के 84 जन्म आएंगे तो नहीं होंगे, जो कृष्ण के साथ जन्म लेंगे। अब ये जनसंख्या कितनी बनेगी ये ड्रामा पर रखना पड़ेगा, ठीक है? नाम भी नहीं क्लियर हो रहा है, किसका नाम, कृष्ण के साथ जन्म लेने वालों का। हाँ, कृष्ण के साथ जन्म लेने का नाम दिया जाएगा, भाई फलाने फलाने आएंगे, बस कृष्ण के कोई नाम नहीं दिया जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि 84वां जन्म बड़ा क्लियर कर दिया, 84 जन्म उनके ही होंगे जो कृष्ण के साथ जन्म लेंगे। अब उनकी संख्या कितनी होगी, क्योंकि बाबा कभी भी निश्चित संख्या नहीं देते हैं, मतलब अलग अलग बताते हैं। तो कृष्ण के साथ जन्म केवल संगम पर और संगम के बाद भी वो सारे के सारे 8 जन्म लेने वाले बनेंगे, और जो लेट आएंगे 150 साल लेट आएंगे उनके तो 8 जन्म हो नहीं सकेंगे ना, उनके वहां पर 7 जन्म हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उनके जन्म कम हो जाएंगे। और जो पहले जन्म में आने वाले होंगे वो जरूर उनकी पहचान कर लेनी है, पहचान की लाइन तो ये लास्ट में जो बाबा ने दी है ना वो है लास्ट लाइन, कि उनके सामने माया उनको गलती करने के लिए कोई तूफान नहीं ला सकती, वो तूफान हरा नहीं सकती माया, ये है पहचान। इनके होंगे 84 जन्म, क्योंकि जन्म लेने वालों को तो हम हिसाब लगा रहे हैं कि 84 जन्म उनके होंगे जो कृष्ण के साथ जन्म ले गए, परंतु पहचान क्या है, पहचान ये है कि उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। इस समय संगम पर यह पहचान करनी है कि मुझे माया के तूफान हरा नहीं सकते, ये बात जो है ना हमारी बुद्धि में रहे, ये जब बुद्धि में हमारे ये बात रहेगी तो हम समझ सकते हैं कि हम भी 84 जन्म लेने वाले हैं। यदि माया से हार खा लेते हैं तो हमारे जन्म कम हो जाएंगे, चाहे 83 हो जाए, चाहे 82 हो जाए, चाहे कितने भी फिर कम हो जाए। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं ये भूल तो नहीं जाते हो।